और अब बात करेंगे मुसलसल बढ़ती महंगाई की। इस्लामाबाद के जुमा बाजार में भी महंगाई का राज है। गरीब और मुतवस्सित तबके का सस्ते बाजारों में भी खरीदारी करना मुहाल होता जा रहा है। इमराना कोमल की रिपोर्ट देखते हैं। जुमा बाजार में भी राज करने लगी महंगाई, शहरियों की खरीदारी की अधूरी होने लगी दुहाई। इंतजामिया वक्त पर रेट लिस्ट ही न ला पाई, सब्जियां हो या फल किसी की कीमत में कमी न हुई। वफाकी दारुल हुकूमत के जुमा बाजार में प्याज 176, आलू 80, अदरक 400, लहसुन 420, टमाटर 105, मटर 134 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। सेब 290, अंगूर 380 और अमरूद के दाम 146 रुपए फी किलो हैं। खरीदारों ने कहा, महंगाई का ये आलम है कि 10 चीजें को खरीदने की लिस्ट बनाकर लाएं तो महज 2-3 चीजें खरीद सकते हैं। इतवार बाजार जुम्मा बाजार है, इसका मतलब ये होता है कि सस्ता होना चाहिए, तो इसको चाहिए कि इस पे जरा थोड़ा सा गौर कीजिए। इतनी महंगाई की हुई है थी, बंदा सब्जी भी नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। दुकानदार भी महंगाई से परेशान है, कहते हैं कि कारोबार ना होने के बराबर रह गया। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि गरीब आवाम बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है। इधर बैठे है, कोई कमाई नहीं है। दिन ब दिन बिजली का रेट ज्यादा, गैस का ज्यादा और चीजें सब, गरीब लोग मर गए यकीन करें। शहरियों ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए रास्ता कदम उठाने का मुतालबा किया है। इमराना कोमल, आज न्यूज़, इस्लामाबाद।